प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ। मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर आप सब प्रियजनों का इस प्रातकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। आज का दिन यहोवा परमेश्वर ने बनाया है और हम इसमें आनंदित होंगे। और आज जिस प्रकार इस गीत में हमने गाया है, हमारा प्रभु बेसहारा को सहारा है और इसलिए निराश ना हो, उसके पास आए, वो हमें छुटकारा दे सकता है। आज मैं आपका ध्यान मरकुस की सुसमाचार उसके 5 अध्याय उसके चंद वचनों की ओर लाना चाहता हूं। और जब हम वहां पढ़ेंगे तो हमें एक ऐसा मनुष्य दिखाई देगा जो वास्तव में बेसहारा है, अकेला है, दुर्दशा में है, बुरी हालात में पड़ा हुआ है। और किस प्रकार वो जब यीशु के पास आता है, यीशु उसे छुटकारा देता है। और वे झील के पार गिरासनियों के देश में पहुंचे और जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहता था और कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं, मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य से निकल जा। एक बड़ी ही दुर्दशा में पड़ा हुआ एक व्यक्ति वहां पर हमें दिखाई देता है और यीशु उस ग्रासनियों के देश में आकर उस दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति को आदेश देता है कि हे अशुद्ध आत्मा, इसमें से निकल जा। जब इस भाग को हम पढ़ते हैं, इस व्यक्ति को जब हम देखते हैं, वो एक मनुष्य था और इसी बात ने यीशु को उसकी ओर आकर्षित किया। एक मनुष्य, अगर वो मनुष्य है तो उसके अंदर एक आत्मा भी है जिसकी कीमत इस पृथ्वी पर के सब धन से अधिक है। उस व्यक्ति की अवस्थाओं को आप देखिएगा, वो काफी लंबे समय से दुष्ट आत्मा से ग्रसित था। वो कपड़े भी नहीं पहनता था, मानो जंगली जानवरों के समान घूम रहा है और वो मृतकों के साथ रहता है, कब्रों के साथ रहता है, कब्रों में रहता है, क्योंकि उसे जिंदा लोगों की संगति पसंद नहीं, मृतकों की संगति पसंद है। उसके अंदर एक सुपरनैचुरल ताकत थी, अलौकिक ताकत उसके अंदर थी, क्योंकि वो जंजीरों को भी तोड़ देता था और ये अपने आप को घायल करता था, अपने आप को, और ये किसी के कब्जे में नहीं आता था, अनकंट्रोल्ड, किसी के कब्जे में नहीं आता था। आप उस व्यक्ति की परिस्थितियों को देखिएगा, हो सकता है ये मनुष्य एक साधारण एक मनुष्य रहा हो, हमारे जैसे ही, वो अपने घर में रहता हो खुशी के साथ, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उसका व्यवहार बदलने लगा और वो धीरे धीरे एक ऐसी परिस्थिति में पहुंच गया जहां पर समाज उसे स्वीकार नहीं कर सकता और उसे समाज से निष्कासित कर एक ही जगह उन्हें दिखाई दी जहां उसे भेजे, उन्होंने उसे कब्रिस्तान में भेज दिया। आप उस व्यक्ति की व्यथा को देखिए, हां यह दुष्टात्मा से ग्रसित है, लेकिन यह एक मनुष्य तो है, एक व्यक्ति तो है। और आज जब हम इस बात को पढ़ रहे हैं, ऐसे बहुत से प्रियजन हैं जिनको अंधकार की सामर्थ्य दुष्ट आत्माएं व्याकुल करती हैं और उनकी उपस्थिति
को हम नकार नहीं सकते। प्रभु यीशु के समय में हमने बहुत बार उनकी उपस्थिति को लोगों के जीवन के कार्यों के द्वारा अनुभव किया, और प्रभु यीशु ने बहुत से दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों को चंगाइयां दी, क्योंकि यीशु चाहते थे कि वो भी अपने आप को नाश ना करें परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करें। और यीशु उस व्यक्ति के पास आया। देखिए, ग्रासनियों के उस देश में रात को आंधी तूफानों का वो प्रहार सहते हुए यीशु उस व्यक्ति के पास आया, क्योंकि यीशु उसे बचाना चाहता था, यीशु उसे छुटकारा देना चाहता था। आज भी यीशु छुटकारा देता है, आज भी अंधकार की सामर्थ्यों से यीशु छुटकारा देता है, क्योंकि उसके नाम में सामर्थ्य है, उसके नाम में अद्भुत ताकत है। अगर आप परमेश्वर के वचन को हम पढ़ें, लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 17 वचन में लिखा है, वे 70 आनंद के साथ आकर फिर यीशु को कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया और उन्हें दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने का सामर्थ्य और अधिकार दिया, यानी यीशु के नाम में दुष्ट आत्माएं अधीन होती हैं। अगर हम मरकुस 16 अध्याय उसके 17 और 18 वचन को पढ़ें, तो वहां पर हम देखते हैं, मरकुस 16 अध्याय 17 18 वचन, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। यानी यीशु के नाम में दुष्ट आत्माओं पर अधिकार होता है, यीशु के नाम में दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं। आज भी वही यीशु बहुत से ऐसे प्रियों को जो अपने जीवन में निराशा को अनुभव कर रहे हैं, अपने जीवन में टूटी हुई परिस्थितियों में निष्कासित से पड़े हुए हैं, उन्हें नया जीवन देना चाहता है। शैतान इसलिए आया है कि वो नाश करे, परंतु प्रभु यीशु इसलिए आए कि वो जीवन दे और अनंत काल का जीवन दे। आज मैं प्रार्थना करता हूं ऐसे बहुत से प्रियजन जो अपने जीवन में अलग अलग रूप में कुछ बंधनों में पड़े हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियों में हैं कि वो अपने आप को ही घायल कर रहे हैं। कितनी दुर्दशा है इस व्यक्ति की, उसके माँ बाप ने उसे छोड़ दिया, उसके घर वालों ने उसे छोड़ दिया, क्योंकि अब ये किसी के साथ रह नहीं सकता। लेकिन यीशु उसके पास आता है, और जब यीशु वहां पर आए तो 6 वचन में उसने क्या किया, वो यीशु को दूर से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया। आज भी वही यीशु छुटकारा देने के लिए हमारे बीच में है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं किसी परिस्थितियों के कारण बंधन में हैं, आपको एक छुटकारे की आवश्यकता है, वो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र आज भी अपनी सामर्थ्य से कार्य कर रहा है। उसके पास आए, वो छुटकारा देकर उस परिस्थितियों को पूरी तौर से बदल कर इस व्यक्ति को वापस अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में स्थापित करने के लिए आग्रह करता है। और उस भाग को जब आप पढ़ेंगे, उसने ऐसा ही किया। और ये जो व्यक्ति था, इस व्यक्ति के बारे में जब आप पढ़ेंगे, ये व्यक्ति अब ऐसा व्यक्ति बन गया कि लोग उस पर अचंभा करते थे। आप उसके 18, 19 और 20 वचन को मरकुस 5 पढ़ेंगे, वहां लिखा है, और जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी उसने विनती की कि मुझे अपने साथ रहने दे, परंतु उसने उसे आज्ञा न दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे साथ कैसे बड़े काम किए हैं। वह जाकर दिकपुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। सब अचंभा करते थे,
पहले उसे देखकर अचंभा करते थे कि वो पत्थर मार रहा है, अपने शरीर को घायल कर रहा है, जंजीरों को तोड़ रहा है, कब्रिस्तान में रह रहा है, अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहा है, अचंभा करते थे। इसके साथ क्या हो गया, अचंभा करते थे। इसकी हालत कैसी हो गई, अचंभा करते थे। लेकिन आज पता है किस बात के लिए अचंभा कर रहे हैं, क्योंकि वो यीशु का प्रचार कर रहा है, यीशु के बारे में बता रहा है। वो ये बता रहा है मेरी अवस्था क्या थी, लेकिन आज मैं क्या हो गया, प्रभु यीशु ने मुझे छुटकारा दिया। लोग अचंभा कर रहे थे। आज मेरी प्रार्थना है, बहुत से प्रियजन जो अन्य प्रकार से बंधनों के बंधन में पड़े हैं, प्रभु यीशु उन्हें आजाद करे और वो प्रभु के नाम का महिमा का कारण बन जाए। स्वर्गीय पिता, मेरी प्रार्थना है आपकी दया और करुणा आप प्रियजनों के ऊपर प्रकट कीजिए। हर एक बंधन यीशु के नाम से खुल जाए प्रभु जी, और आपका नाम उनके जीवन में ऊंचा हो। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमेन, आमेन। 9829037837 पर आप अपने प्रार्थना निवेदन और गवाहियों को हमसे शेयर कीजिए और इन वचनों को औरों तक पहुंचाकर इस वचन के द्वारा वो भी आशीष पाने का माध्यम बनिए। हैव ए ब्लेस्ड डे, गॉड ब्लेस यू। अगर आप